मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी का वह भाषण सुनिए, जब दरभंगा में जब एम्स दिया गया था, उस समय नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बड़ाई में जो जो शब्द सुने थे और जो उन्होंने सुनाया था बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वह शब्द आज भी मौजूद है। तेजस्वी जी, आपको तो उससे कोई मतलब है नहीं। आप उस नीतीश जी, आप भी देखिए, अगर झूठ बोलने की इतनी ही आदत पड़ी है तो कम से कम बड़े अस्पताल एम्स बनने के लिए आप उस शब्द को उठाइए, अपने शब्दों को याद कीजिए और दरभंगा में एम्स बनने दीजिए, मिथिला वासियों को और बिहार के गरीबों को उसका लाभ लेने दीजिए। केंद्र सरकार एम्स की घोषणा की, कई वर्ष घोषणा के हो गए, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, जो आज तेजस्वी जी बड़े बड़े 6 विभाग के मालिक बनकर बैठे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने विभागों को लेकर बैठे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। आज इस सरकार की नीयत है कि हम वहां एम्स नहीं बनने दे। मैं बिहार और मिथिला के भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि आज नीतीश जी और तेजस्वी जी मिथिला में बनने वाली, मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में बनने वाली एम्स को रोकने की कोशिश कर रही है, रोकने का बहाना बना रही है। जब वहां कार्य प्रारंभ हो गया, जब वहां की स्वीकृति मिल गई, फिर दोबारे उस पर क्यों विचार किया जा रहा है? क्यों नहीं बिहार सरकार सहयोग करके केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार को दरभंगा का एम्स बनने दे रही है? और कान खोल कर सुन लीजिए, दिमाग खोल कर सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, दरभंगा एम्स को आप अगर बनने नहीं देंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने मिथिला के सभी सांसदों को लेकर, दरभंगा के सांसद हमारे गोपाल जी ठाकुर हैं, उसी जिला के कुछ क्षेत्र के सांसद हमारे अशोक यादव जी हैं, मिथिला के सारे सांसद, सारे विधायक, हम दरभंगा के एम्स को लेकर रहेंगे। हम इनकी उस जो मिथिला के साथ यह सरकार गद्दारी कर रहे हैं, हम गद्दारी नहीं करने देंगे। दरभंगा का एम्स बनेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ लोकतांत्रिक ढंग से करना पड़ेगा हम सब करेंगे। और आपकी मंसूबा जो मिथिला के क्षेत्र में दरभंगा में एम्स को रोकने की है, हम किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देंगे। दरभंगा का एम्स रोककर मिथिला के साथ गद्दारी और मिथिला के साथ नाइंसाफी हम नहीं करने देंगे नीतीश जी और तेजस्वी जी।